लड़ी थी और आज यहाँ ट्रेड यूनियन में मुझे यहाँ संगठन मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के हुत के क्या तब भी लड़ी, हमने आज भी लड़ी है। पंजाब के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने डिविजन का जो डिसाइड किया, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी डिसाइड होगा। रात को ही हमारे हरजोत जी जो कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू में आए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल से एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हो रही है। यहाँ के रैबरे खेल रैपरेजात एनवाईसीज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के रिलेटेड उनसे मीटिंग होने वाली और यहाँ इंसाफ होगा। जो उम्मीदें हैं आपको, जो मसले आपके हल नहीं हुए होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दिल्ली में हुए, पंजाब में हुए, मॉडल है और जम्मू में भी ये मसले जो हमारे हल होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरह से सुनामी आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर चल रही है, जम्मू कश्मीर अपनी सरकार बनाने जा रही है और तमाम मुद्दे छोटे मोटे मुद्दे जो है बहुत जल्दी हल। सोशल इवेंट्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रतिबंध है जम्मू के युवाओं की सुरक्षा को लेके, और मैं आह्वान करता हूँ ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं यूथ का, आज जैसे हिंदुस्तान गुलामी की तरफ बढ़ा था और भगत सिंह जी ने आवाज़ उठाई थी, आंदोलन चला था, आज ये आंदोलन चला है बीजेपी के खिलाफ और जो करप्ट सरकार है उसके खिलाफ, जुमलेबाज सरकार है उसके खिलाफ, लोगों को निजात दिलाने के लिए हम रोड पर उतरे हैं। और आपके माध्यम से हम वादा करते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली, पानी, सड़क, अच्छी मेडिकल सुविधाएं, जो हम प्रतिबंध हैं जिसके लिए और जिसका मॉडल आपने देखा दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में पंजाब में लोगों ने हमें पूर्ण बहुमत से जिताया है और आने वाले टाइम में हिमाचल और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए, कुछ और लोग भी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगा रैली निकाली जा रही है ड्रग्स को लेकर, सोशल इवेल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो आज तिरंगा रैली और ड्रग्स को लेकर छूटों को लेकर हमने निकाली है वो आम जनता के लिए है और जम्मू को नशा मुक्त करने के लिए है। और जो ये जनसलाब आप देख रहे हो, जो जम्मू के लिए बेसिक चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, यहाँ की सरकारें कुछ नहीं दे पाई है। जो हमारी सरकार है जो केजरीवाल जी की, दिल्ली में कोई बिजली नहीं बनती, वहाँ पे बिजली फ्री है, यहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ की सरकारें बिजली क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि ये बिजली बेचते हैं। लड़ाई लड़ने कश्मीर के अंदर होंगे से पहले मीडिया बंदियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाल के हमारी ये तिरंगा रैली को कवर किया है। आज मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं ये आंदोलन के रूप में उमड़ा है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसका जीता जागता सबूत आप ये युवा शक्ति आप देख रहे हैं। देखिए आज जो रैली है हमने ड्रग एब्यूज और सोशल इवेल्स के खिलाफ निकाली है। ना गीता खतरे में है, ना कुरान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये जो दिमाग में आपने शैतान बना रखा है, हम उस शैतान को भगाने के लिए हमने आज संकल्प लिया है और आज हम आह्वान करते हैं कि हम जम्मू के जो हमारा कौमी भाईचारा है उसको मेंटेन रखेंगे और सारी युवा शक्ति और सब मिलके जम्मू के उत्थान के लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हम पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस रैली से। मैं जितना भी युवा है
हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और आपने ये जनसलाब देख रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो हमारे साथ जुड़ चुका है। हम जो ड्रग्स है वो सोचल है, हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनाएंगे हम। सर कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, आपको लगता है कि ये एक इलेक्शन स्ट्रेटजी है या फिर आम लोगों के हित में अच्छा फैसला? देखिए अमित जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये जुमले हैं बस, ये मैं तब मानूंगा कि आप उसको उस जो पेट्रोल डीजल के 7 रुपए और 9 रुपए आपने कम किए उसके साथ आप एक और वजन लगाते हैं कि अगले 5 सालों के लिए कम होंगे, फिर हम मानते हैं कि वाकई आप जनता के हित में कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, ये आप देख लो लोग सड़कों पे हैं, श्रीनगर में कश्मीरी पंडित इनके खिलाफ है, जन जन में एक ही आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार रह गई है। देखिए मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, आप झूठ छोड़ के सच की तरफ भागिए और जो आह्वान है जो जनता चाहती है उस पर काम करिए, बिजली रोड पानी इस पर काम करिए। आपको लगा कि अब इलेक्शन की तैयारी है इसलिए आपने भी एक रैली का आयोजन यहाँ पर रखा है? देखिए इलेक्शन, ये आपको मैं सच बताऊं, हमारी पार्टी जो है फर्स्ट डे से इलेक्शन मोड में रहती है क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं वो बिजली पानी सड़क और आम लोगों की जो सुविधाएं उस पर हम फोकस करते हैं। ये सिर्फ जब इलेक्शन आती है तब इनके मैनिफेस्टो में लोगों को रुझाने के लिए झूठ आता है, हम झूठ में नहीं चलते, हम सच्चाई है उसका आप जीता जाता सबूत आप देखेंगे दिल्ली में हमारी सरकार, माननीय केजरीवाल जी कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी को देखते हुए उसी मॉडल पे पंजाब की सरकार बनी है, बहुमत में आए हैं, अब हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, हिमाचल में भी बनेगी। जम्मू कश्मीर जो है वो पंजाब हरियाणा से बहुत अलग है, यहाँ के मसले मसाइल बहुत अलग है, तो क्या उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए जम्मू कश्मीर अलग जरूर है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कॉमन आदमी की जो जरूरतें हैं वो तो एक ही है ना, आपको भी बिजली चाहिए हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए हमें भी चाहिए, आप देखिए उसी मॉडल पे काम होगा, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, ब्लू वाइड ट्रांसफर की जा रही है, प्रिंसिपल जो उनके अध्यापक हैं वो आते नहीं है, रिजल्ट देखिए आपका शून्य मात्र पे है, रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है, देखिए उसका स्तर कहाँ गिरा, हम पढ़े हैं वहाँ से, उसका स्तर कहाँ गिर गया, एजुकेशन का स्तर गिर गया, महंगाई का स्तर बढ़ गया, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये जो युवा आप देख रहे हो, ये जनता आप देख रहे हो, ये इस चीज़ का आह्वान है, हम कड़ी टक्कर के साथ उतरे हैं और ये जनता जवाब देगी इनके झूठे जुमलों का। आपने पंजाब की बात की लेकिन पंजाब में जब से नई सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो क्या आपको लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार आती है तो यहां के लॉ एंड ऑर्डर से आप डील कर पाएंगे? देखिए पंजाब में आप जो कह रहे हैं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, बड़े कड़े शब्दों में हमारे सीएम साहब ने आदेश दिया है करप्शन की जीरो टॉलरेंस होगी, कोई भी बंदा पंजाब में अगर आप क्राइम की बात करते हैं 0% क्राइम के टॉलरेंस उन्होंने बताया है, और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आते ही आप देखेंगे यहाँ क्राइम की रेशो हम जीरो कर देंगे। इलेक्शन को लेकर तैयारियां कहाँ तक आपकी? ये जन जन की तैयारी है जी, हमारी तैयारी नहीं है, ये लोगों की तैयारी है, ये लोग आम आदमी पार्टी, हर आम आदमी पार्टी की तैयारी, पार्टी की तैयारी। बीजेपी तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी तस्वीर में नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। देखिए ये बीजेपी अभी भी ख्वाबों में सोई है, उसका जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे, जनता देगी, जनता देगी जवाब। जी शुक्रिया।